हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है 15 अगस्त। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राष्ट्रध्वज सहित 2002 का पालन सुनिश्चित करने और लोगों से कौन से राष्ट्रध्वजों का इस्तेमाल करने को कहा है। प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए, प्लास्टिक। तो याद रखिए, भूलना नहीं है। सरकार ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में किस बैंक की पूर्व एमडी उषा अनंत सुब्रमण्यम को बर्खास्त कर दिया है। SBI, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक। तो याद रखिए फ्रेंड्स, रक्षा अधिग्रहण प्रशिक्षण ने नौसेना के लिए देश में निर्मित कितने आधुनिक तटरक्षण गश्ती पोस्टों की खरीदारी को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। इसका राइट आंसर है डी, 6। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने 12 अगस्त 2018 को वियतनाम ओपन में कौन सा पदक अपने नाम किया है। रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर अपने माइंड में सोच लिया कीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर ए, रजत पर, उसको फिर आप याद रखा कीजिए। केंद्र सरकार ने देश में किस क्षेत्र के विस्तार के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने का फैसला किया है। शुद्ध हवा क्षेत्र, जनसंख्या विस्तार, वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, वन क्षेत्र, उसको आप भूलना नहीं है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। तो आज टोटल 12 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है स्टडी मास्टर, और साथ में एक बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और जागरण एनालिसिस डेली देखा कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो होती है जागरण एनालिसिस, जो न्यूज़पेपर होता है उसका एनालिसिस करता हूं मैं, बहुत अच्छे से कराई जाती है। 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा न्यूज़पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको अच्छे से करवाया जाता है। तो ये 6 क्वेश्चनों के 6 और रह गए हैं, और मैं 4 मिनट के अंदर डेली ये वीडियो पूरी करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली 4 मिनट के अंदर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत नौसेना का कौन सा जहाज 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ। INS सह्याद्री, INS तरिणी, श्रेष्ठ, विक्रांत। तो अपना जो आंसर है वो है ए, INS सह्याद्री। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर का पद पर रहते हुए निधन हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल। 4 ऑप्शन, अपना आंसर याद रखिए। राइट आंसर बी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस शहर में हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर शहर का नाम रखा गया है। टोक्यो, चीन, इजराइल, पोलैंड। तो आप याद रखिए कि हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर किस शहर का नाम रखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका आंसर टोक्यो, किची डोपी। याद रखिए, एक सर्वेक्षण के तहत निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है। नीता अंबानी, अर्पिता मुंजाल, स्मिता किरण गोदरेज या किरण नादर। तो राइट आंसर है स्मिता कृष्ण गोदरेज। तो ये गोदरेज कंपनी की मालकिन है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये भूलना नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्मिता कृष्णा किस कंपनी की मालकिन है। तो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होकर भी आ सकता है, थोड़ा उलट पलट करके भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरविंद रॉय, आशीष कुमार भूटानी, KS जामवत, अनिल कुमार त्रिपाठी। तो अपना आंसर सोच लीजिए। राइट आंसर बी, आशीष कुमार भूटानी। याद रखिए, स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण में कौन सा स्टेशन सर्वप्रथम पर रहा है। मैसूर, ग्वालियर, पटियाला, जोधपुर। इसका राइट आंसर है जोधपुर। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियोस डेली जागरण एनालिसिस देखते हैं वो इन क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो अगर आप लोग जागरण एनालिसिस देखते हैं डेली का, मेरा जो मैं करता हूँ जागरण एनालिसिस, उसके अंदर से ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ये सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो है ये एग्जाम में आ सकते हैं। और नेक्स्ट डे मैं उनके फिर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ कि हाँ इन इनमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके आंसर ये हैं। तो आपके फ्रेंड्स रिविजन भी हो रही है, एक दिन आप जागरण से सुनते हैं, दूसरे दिन रिविजन करते हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। कोई भी डाउट या क्वेरी तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर RRB की तैयारी करवाई जा रही है, SSC, UPSC और हरियाणा पुलिस, सभी की एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अच्छे अच्छे डेली लेक्चर डाले जाते हैं, तो आप देख लीजिए और आपको कौन से लेक्चर चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।